वरदान दे रहा हूं कि जैसे राम के साथ में सीता जी पूजी जाती हैं, विष्णु भगवान के साथ में जैसे मैया लक्ष्मी पूजी जाती हैं, वैसे ही कन्हैया के साथ में राधा पूजी जाएंगी, वैसे ही तुम हमारे साथ में पूजी जाओगी। आज भगवान ने राधा को ये वरदान दिया है। आज मेरे भक्तों व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं भगवान कन्हैया और राधा जी की प्रेम कहानी जब हो जाती है उसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं आज जब उनका मिलन हो जाता है तो सुखदेव जी समझाते हैं भगवान कन्हैया ने अपनी महाराज लीला को दिखाया है। तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं महाराज के बाद आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं एक बार मैया यशोदा बड़ी ही सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, बड़ी ही सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। जब भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा को पकवान बनाते हुए देखा है तो आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास में जाते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं मैया आज ये कौन सा त्योहार है मैया जो आप इतने सुंदर सुंदर पकवान बना रही हो।